नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह। आइए आपको दिखाते हैं शहर से जुड़ी तमाम खबरों को जो आज के सुर्खियों में है। जिले के तमाम खबर कुछ खास इस प्रकार हैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रोहतास पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए अवेक्शन मूड में आ गई है। वही आम नागरिकों को बेवजह सड़कों बाजारों में न आने की सख्त चेतावनी दी गई है कि कोई भी आदमी बेवजह भीड़ भाड़ वाले जगह न जाए, अपने घर में रहे। अगर कोई जरूरी काम से बाहर निकलना है तो मुंह में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। बेवजह घूमने वाले पर पुलिस के द्वारा सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा तथा बिना मास्क चलने वाले लोगों से जुर्माना पुलिस के द्वारा वसूला जाएगा। बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइंस के धजिया उड़ाने के विरुद्ध में नगर परिषद क्षेत्र के डेरी 12 पथल वार्ड नंबर 35 में प्राइवेट आइडियल साइंस कोचिंग सेंटर 12 पथल में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा था, जो कोविड-19 के गाइडलाइंस के खिलाफ था। जबकि बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार सारे कोचिंग संस्थानों को 21/1/2022 तक बंद रखने की गाइडलाइंस जारी किया गया है। वहीं कोरोना योद्धा धावा दल द्वारा पूर्वाहन 11:30 बजे इस कोचिंग संस्थान के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के जुर्म में प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। रोहतास पुलिस कप्तान श्री आशीष भारती के निर्देशानुसार जिले में शराब तस्कर, शराब व्यवसायियों, शराब भंडारण करने वाले, शराब होम डिलीवरी करने वाले को बिहार में शराबबंदी को लेकर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतास जिले में देसी शराब बनाने वाले भट्टियों को पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी कर ध्वस्त किया जा रहा है। वही शराब बनाने वाले के पास को पुलिस ने जिले में भारी मात्रा में विनिष्ट किया है। वही जिले में अवैध शराब बेचने वाले, सेवन करने वाले तथा शराब तस्करी करने वाले दर्जनों अभियुक्त को पुलिस प्रतिदिन गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। फिर भी बेखौफ शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण का काम जारी है। डेरी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पुरुषोत्तम त्रिवेदी ने बताया कि कोरोना का टीकाकरण युद्ध स्तर पर चालू है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का अंतिम चरण में चल रहा है। वहीं 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का काम जारी है। वहीं श्री त्रिवेदी ने बताया कि डेरी प्रखंड में 23,000 का लक्ष्य है, जबकि लगभग 5,000 टीका लग चुका है। उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट किया गया है। स्कूल को केवल पढ़ने वाले बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए स्कूल को खोला गया है। वही बच्चों को निर्देशित किया
कि मास्क पहनकर ही स्कूल में टीका लगवाने आए और टीका लगवा करके सुरक्षित अपने घर में रहें। सर, कोरोना का टीका का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य जारी है, जिसमें 18 से ऊपर वर्ष के सभी व्यक्तियों के लिए कोरोना का टीकाकरण अपने अंतिम चरण में है। साथ ही साथ 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीकाकरण का कार्य चलाए जा रहे हैं, जिसमें डेहरी प्रखंड में कुल 23,000 टारगेट हैं, जिसमें 5,500 बच्चों को टीका दे दिया गया है। इसमें स्कूल और प्लस टू विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उन्हें यह सूचित किया जाता है कि टीकाकरण के लिए स्कूल खोला जा रहा है और वे मास्क पहन करके और सैनिटाइजर के साथ स्कूल में आए और टीकाकरण अवश्य ले लें। सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे अपने 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच के बच्चों को अपने जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां वैक्सीनेशन केंद्र बनाया जा रहा है और वहां वे अपने बच्चों को टीकाकरण अवश्य करा लें निश्चित रूप से।